इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ट्राइडेंट रेसो को। ट्राइडेंट रेसो के अंदर सैंपल फ्लैट अब तैयार है, टावर के नीचे ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ हम इसके अंदर कवर करेंगे डेवलपर की तरफ से मिलने वाले ऑफर्स। साइज जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको वो है 1892 स्क्वायर फीट 4 BHK। यहाँ पे दिखाई जाने वाली लॉबी और फ्लैट एज इट इज आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ पोजेशन पे। यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ देखने के लिए मिलती है 2 लिफ्ट। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें एम्बेसी के साथ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट के बारे में। यहाँ पे आपको जो साइज मिलता है डोर का 8 फीट का मिलता है, कुछ इस तरीके से लुक आती है इसकी। एंटर करते ही हमें दिखता है मैसिव लिविंग और डाइनिंग स्पेस। लिविंग और डाइनिंग स्पेस को सेपरेट रखा गया है। साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिविंग रूम मिलता है आपको 11x16 का। साथ ही साथ अगर हम डाइनिंग की बात करें तो ये मिलता है आपको 10x11 का। फर्स्ट बेडरूम के डायमेंशंस हैं 10x13, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपको अटैच टॉयलेट, साथ ही साथ रनिंग बालकनी जो कि कनेक्टेड है लिविंग रूम के साथ। इस रूम के साथ मिलने वाले टॉयलेट का साइज है 5x7 का, कुछ इस तरीके से लुक आती है इसकी। यहाँ पे स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। यहाँ पे आपको लिविंग रूम बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिलता है। स्पेस बहुत अच्छा मैनेज किया है, यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। किचन आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। किचन की अगर साइज की बात करें तो ये मिलता है आपको 10x8। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है यूटिलिटी बालकनी। यहाँ पे यूटिलिटी बालकनी को कवर नहीं किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे मिलने वाले सेकेंड बेडरूम की, जिसके डायमेंशंस हैं 10x12। इस साइज की जितनी भी यूनिट हैं वो 3 साइड ओपन है, तो क्रॉस वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट के लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे मिलने वाले कॉमन टॉयलेट की, जो कि है 5.5x7। मास्टर बेडरूम की अगर साइज की बात की जाए तो ये मिलता है आपको 15x11, कुछ इस तरीके से लुक आती है इसकी। मास्टर बेडरूम में मिलने वाला टॉयलेट आपको मिलता है 8x5.5। सीट्स आपको माउंटेड मिलती हैं, क्योंकि ये रोड फेसिंग यूनिट है तो आपको देखने के लिए मिलती है 130 मीटर वाइड रोड विद पार्क। फ्रंट में आपको कोई भी हाई राइज देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने बने हुए हैं अथॉरिटी प्लॉट। फ्लैट साइज काफ़ी डिसेंट दे रखे हैं, साथ ही साथ आपको स्टोरेज का स्पेस भी मिल जाता है हर फ्लैट में देखने के लिए। यहाँ बात कर लेते हैं फोर्थ बेडरूम की, जिसके डायमेंशंस हैं 11x12 के। यहाँ पे हर रूम आपको एक अलग ओपन व्यू देता है, वीडियो में देख सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग अपने लिए फ्लैट देख रहे हैं। 4 BHK के अलावा जो कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 2+ स्टडी, 3 BHK, 3+ स्टडी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है डेवलपर की साइड से कुछ ऑफर्स, जिसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप वो देख सकते हैं।